पहले ही ऑर्डर लेट कर रहे हैं कस्टमर। कस्टमर भाई नीचे ही नहीं आ रहा ऑर्डर तो पिकअप। लो भाई अपना पांचवा ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है। और तो भाई फाइनली मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5। क्योंकि मैंने लॉग इन क्यों नहीं किया कि क्योंकि वो मैं कल का टेंशन लिया था। 400 रुपये का इंसेंटिव मेरा आने वाला था, वो चले गया। तो मेरे टीएस से बात चालू थी, तो मैं चेक कर रहा था बार बार कि डिनर निकल रहे कि नहीं, डिनर निकल रहे कि नहीं। और 2-3 मेरे काम थे तो वो करने गया था। तो अभी फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, फिर अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ अभी, और देखते हैं अभी अपने ऑर्डर कितने बैठे हैं। तो अभी बज रहे हैं 5 बजे शाम को मैं लॉग इन कर रहा हूँ फिलहाल, अभी अपने मैं घर पर ही हूँ। तो भाई पहले दिन की खुशी थी कि इतनी अर्निंग हो गई, 1400 रुपये अर्निंग हो गई। कल का तो भाई 400 रुपये का लॉस हो गया, और अभी देखते हैं भाई अभी कितना अर्निंग होता है, कुछ समझ नहीं आया क्या करने का। तो चलो फिर भी लॉगिन करते हैं। अभी लॉगिन नहीं किया, अभी ये ब्लॉग को स्टॉप करता हूँ, फिर फटक से लॉगिन करता हूँ। तो भाई अभी मैं लॉगिन कर रहा था और ये आ गया मुझे बैग और टी शर्ट का सेल्फी। तो इसको फटाफट बैग और टी शर्ट का सेल्फी दे देने को ऑर्डर गिरे। एंड फाइनली अपने को पहला ऑर्डर आ चुका है। पिकअप है 2.07 किलोमीटर और ड्रॉप है 81 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट 800 मीटर के आसपास ड्रॉप है। दोनों ऑर्डर रेडी भैया। तो भाई अपना आज का पहला मल्टी ऑर्डर पिकअप हो चुका है, और एक ऑर्डर देना है मेरे को 700 किलोमीटर आसपास, और दूसरा देना है दूर। तो चलो भाई अपना आज का पहला मल्टी ऑर्डर का पहला ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है। पहले ही ऑर्डर लेट कर रहे हैं कस्टमर। कस्टमर भाई नीचे ही नहीं आ रहा ऑर्डर पिकअप करने का। तो भाई आज का पहला ऑर्डर अपना मल्टी ऑर्डर कम्प्लीट हो चुका है, और ये ऑर्डर के मुझे मिले 49 रुपीज़, और ये ऑर्डर डिलीवर करने को टाइम लगा है 37 मिनट्स। दूसरा ऑर्डर भी गिर चुका है, पिकअप है 1.5 किलोमीटर और ड्रॉप है 8.5 किलोमीटर। अपना सेकंड ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है और इसको ड्रॉप करना है 8.5 किलोमीटर। दूसरा ऑर्डर भी पिकअप करके डिलीवर भी हो चुका है, और 64.4 रुपीज में को ये ऑर्डर के मिले हैं। भाई 45 मिनट्स वेट करने के बाद मुझे फाइनली तीसरा ऑर्डर गिर चुका है। पिकअप है 1.5 किलोमीटर और ड्रॉप है 1.5 किलोमीटर। तो भाई फाइनली अपना ये आ गया तीसरा ऑर्डर, इसको अभी डिलीवर करना है 1.5 किलोमीटर, और सर ने मुझे दिया है 20 रुपीज टिप, थैंक यू सर। तो इसको जाते हैं फटाफट डिलीवर करने के लिए। भाई ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, कम से कम 2000 का ऑर्डर है, और 20 रुपीज टिप आ चुका है थर्ड ऑर्डर। कस्टमर कार्ड मैंने दे दिया, और ये तीसरा ऑर्डर भी मेरा डिलीवर हो गया। पिकअप और ड्रॉप के मिला के टोटल मेरे को 50 रुपीज मिलते हैं, 30 रुपीज ऑर्डर के और 20 रुपीज टिप के। तो 31 मिनट्स में मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, और मेरे 14 ऑर्डर भी गिर गया। तो यहाँ आप स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने पिकअप कर ही देखा, तो ऑलमोस्ट ड्रिप डिलीवरी डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो 14 ऑर्डर भी मेरे को गिर चुका है। तो देखते हैं आज अपनी अर्निंग कितनी होती है। तो भाई अभी क्या हो गया, मेरे को ये ना ये मदर किचन का रेस्टोरेंट का ऑर्डर गिरा था, और मैं ना गलती से गया मराठा सम्राट रेस्टोरेंट, वो MM था ना, तो मैंने फटाक से ऑर्डर रिसीव कर लिया और मैं गया मराठा सम्राट। फिर उधर जाके रीच कर रहा हूँ तो भाई पता चल रहा है, अरे यार ये तो मराठा सम्राट का ऑर्डर नहीं है, ये तो मदर किचन का ऑर्डर है। तो फिर मैं वापस अभी इधर आ गया पिकअप करने के लिए, और मैं यहाँ पे ही था लगभग, नहीं बोल के ना 400-500 मीटर पे ही था, और फालतू में मैं 1.5 किलोमीटर गया पिकअप करने के लिए। और अभी आ चुका हूँ मदर किचन ऑर्डर पिकअप करने के लिए, बट रेस्टोरेंट 8x6 मिनट है, और भैया को पूछा कितना टाइम लगेगा, तो भैया बोले कम से कम 10 मिनट वेट करो भैया, बना के देता फटाफट। तो देखते हैं भाई अब कितना टाइम लगता है ऑर्डर रेडी होने के लिए। तो चलो भाई अपना चौथा भी ऑर्डर आ चुका है, और इसको फटाफट 1.5 किलोमीटर डिलीवर करके आ जाते हैं। तो लो भाई अपना पांचवा ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, और इसको देना है 1.5 किलोमीटर। भाई फटाफट जाते फटाफट डिलीवर करते हैं, क्योंकि भाई ऑर्डर फ्लो अच्छा है, तो भाई ऑर्डर फटाफट हो जाएगा अपने। भाई अपना फाइनली चौथा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया है, और ये ऑर्डर मेरे को डिलीवर करने के लगे 24 मिनट, और मेरे को मिले 30 रुपीज। तो भाई फाइनली अपना पांचवा ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, और ये ऑर्डर मैंने लगभग 13 से 14 मिनट में डिलीवर कर दिया, और 30 रुपए में कोई ऑर्डर के मिले। कस्टमर का लोकेशन 500 मीटर दूर था, तो कस्टमर को बोला कि सर आपका लोकेशन थोड़ा चेंज है, मीन्स मैं आपके बिल्डिंग के पास आ गया लेकिन आपका लोकेशन थोड़ा दूर दिखा रहा है। फिर भी ठीक है, मैंने फटाफट कस्टमर को ऑर्डर दे दिया, डिलीवर कर दिया, और कस्टमर ने 5-स्टार रेटिंग भी दे दिया, और अपने को 10 रुपए भी मिल गया। और भाई अपने को भी छठा ऑर्डर गिर चुका है, 1.5 से 2 किलोमीटर पिकअप है और 1.5 से 2 किलोमीटर का ड्रॉप है, छठवा ऑर्डर गिर चुका है। तो फटाफट जाते हैं छठवा ऑर्डर पिकअप करते हैं, उसके बाद मिलेगा 7वां ऑर्डर। तो 12 के पहले मेरे को 13 ऑर्डर कंप्लीट करने, और हाँ आज भाई बराबर से ऑर्डर में डिलीवर करूंगा ना तो कल जैसा प्रॉब्लम होगा। तो लो भाई अपना ये छठवा ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, और इसको अभी देना है 1.5 से 2 किलोमीटर डिलीवरी करने का, और रेस्टोरेंट ने भाई रेडी मार दिया और 6 मिनट मेरे को रेस्टोरेंट पे रुका दिया है। तो लो भाई ये अपना छठवा ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, और ये मैंने 23 मिनट में ऑर्डर डिलीवर किया, और ये ऑर्डर के मुझे मिले हैं 30 रुपए। तो भाई अपने को अभी गिरा है 7वां ऑर्डर, पिकअप है 2 किलोमीटर और ड्रॉप है 4 किलोमीटर। भाई जो ऑर्डर जो रेस्टोरेंट का मुझे डर रहता है ना कि ये ऑर्डर रेस्टोरेंट का ना गिरे, भाई उसका ही ऑर्डर गिर चुका है, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत डिले लगाता है और कभी भी जाता तो रेडी नहीं रहता है। तो ले भाई जो चीज़ का डर था वही हो गया, रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है 10 से 15 मिनट रुको ऑर्डर मिल जाएगा, और अभी वेटिंग है। तो भाई ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये रेस्टोरेंट की भाई मेरे को कभी भी ऑर्डर नहीं गिनी चाहिए पिक टाइमिंग में, तो यही हाल होता है। तो लो भाई फाइनली 25 मिनट वेट करने का अपने को अपना ऑर्डर मिल चुका है, और इसको फटाफट डिलीवर करना है अभी।
भाई मेरे को ये ऑर्डर है ना डिलीवरी करने को 42 मिनट्स लग गए। मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया 5 मिनट में और रेस्टोरेंट वाले ने मेरे को दिया 25 से 30 मिनट में ऑर्डर दे दिया मेरे को और मैंने ये ऑर्डर 10 मिनट में डिलीवर कर दिया। तो 42 मिनट्स मेरे को लग गए ऑर्डर डिलीवर करने को और ये मेरे को ऑर्डर के मिले 30 रुपीज। और मेरे को अभी 8वां ऑर्डर गिरा है, 1.5 किलोमीटर पे पिकअप है और 1.5 किलोमीटर का ड्रॉप है और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है ऑर्डर अच्छे अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स है, अजीत दादा पवार अभी आए यहाँ पे तो मैंने उसका वीडियो शूट भी किया, इसके पहले आपने देखा रहेगा तो जाते देख लेते। अभी मैं तो मेरे को अभी शूट नहीं करने मिलेगा लेकिन हाँ मैं जाते थे उनको वापस देख लेता हूँ। एक बार मैं 8 बजे गया था सुबह मॉर्निंग को देखने का उनको। तो भाई ये आ चुका है अपना 8वां ऑर्डर और इसको डिलीवर करना है 1.4 किलोमीटर। तो चलो भाई अभी अपने 8 ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऑर्डर के मुझे मिले 30 रुपीज़ और मैंने ये ऑर्डर 12 मिनट में डिलीवर कर दिया और मुझे 9वां ऑर्डर अभी मल्टी गिरा है तो जा रहा अभी मैं 9वां ऑर्डर पिकअप करने। तो भाई मल्टी ऑर्डर का पहला ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, अब जाते हैं दूसरा ऑर्डर लेने को। तो भाई अभी ऐसा हुआ है मेरे को गिरा था मल्टी ऑर्डर, ठीक है तो मैं मल्टी ऑर्डर पिकअप करके पहला ऑर्डर पिकअप करके भी जा रहा था दूसरा ऑर्डर पिकअप करने को, लेकिन बात यह है कि कस्टमर का पहला ऑर्डर ऑन द वे ही है तो फिर मैं सोचा पहला ऑर्डर कस्टमर को दे देता फिर मल्टी ऑर्डर पिकअप करके फिर ऑर्डर डिलीवर कर देता, क्योंकि कस्टमर का लोकेशन चेंज है और जहाँ पे मल्टी ऑर्डर मेरे को पिकअप करना है दूसरा वहाँ पे कस्टमर का बिल्डिंग है। बट यहाँ पे कस्टमर ने थोड़ा सा चेंजेस किया है तो बोला कि भाई अपने को जल्दी ऑर्डर डिलीवर करना है तो ये पहला ऑर्डर दे देते कस्टमर को फिर वो दूसरा मल्टी ऑर्डर पिकअप करते हैं फिर उसके बाजू में ही बिल्डिंग है तो वहाँ पे डिलीवर कर देते फिर कस्टमर को इन्फॉर्म करके। अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर को पहला मल्टी ऑर्डर देने को। ये है बिल्डिंग, देख सकते हैं 24 माले की बिल्डिंग है। तो जाती है अभी फटाफट डिलीवर करते हैं फिर दूसरा मल्टी ऑर्डर पिकअप करते हैं। ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट के बाजू में कस्टमर का बिल्डिंग है 100-150 मीटर दूर। तो भाई फर्स्ट मल्टी ऑर्डर डिलीवर डन, तो अभी जाते हैं दूसरा मल्टी ऑर्डर पिकअप करने। तो भाई दूसरा मल्टी ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है और ये देना है बहुत दूर। तो भाई फाइनली अपने दोनों मल्टी ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं, 36 मिनट्स में मैंने दोनों मल्टी ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं और ये ऑर्डर के मेरे को मिले हैं 69 रुपीज़। 69 और 5 मतलब 74 रुपीज़। 5 रुपीज़ कौन सी चीज़ का कि अगर मेरे को अलग अलग रेस्टोरेंट का मल्टी ऑर्डर गिरा तो मेरे को 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा गिरता है, अगर सेम रेस्टोरेंट का मल्टी ऑर्डर गिरा तो 45 रुपीज़ मिलता है। तो इसी के साथ मेरे 10 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मेरे को ऑर्डर तो नहीं गिरा है और अभी बज रहा है 10। एंड भाई फाइनली मेरे को 7 मिनट के बाद मेरे को ऑर्डर गिर चुका है, गो टू होम किया था मैंने और फाइनली मेरे को 11वां ऑर्डर गिर चुका है। पिकअप है 2 किलोमीटर और ड्रॉप है 6.5 किलोमीटर के आसपास। तो ऑर्डर रेडी भी हो चुका है। हेलो भाई अपना 11वां भी ऑर्डर आ चुका है और इसको डिलीवरी करना है अपने एरिया में और ये मेरे को रिटर्न ऑर्डर गिरा है सो इसको फटाफट ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो भाई अपना ये 11वां ऑर्डर भी अभी डिलीवर हो चुका है, इसको मैंने 23 मिनट में डिलीवर किया और 41.4 रुपीस मुझको ये ऑर्डर के मिले हैं और अभी मेरे को 12वां ऑर्डर नहीं गिरा है क्योंकि मैं एरिया से थोड़ा सा बाहर हूँ। तो लो भाई आज का 12वां ऑर्डर भी अपने को गिर चुका है, पिकअप है 2 किलोमीटर और ड्रॉप है 5.5 किलोमीटर। लो भाई फाइनली अपना 12वां ऑर्डर पिकअप हो चुका है और इसको देना है 5.1 किलोमीटर और मैप में मुझे दिखा रहा है 13 मिनट, तो देखते हैं मैं इसको कितने मिनट में डिलीवर करता हूँ। तो भाई अपने 12 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऑर्डर मैंने 26 मिनट में डिलीवर किया और ये ऑर्डर के मुझे मिले हैं 30.5 रुपीज़ और मुझे गिरा है लास्ट 13वां ऑर्डर और पिकअप है 10 किलोमीटर पिकअप है और ड्रॉप है 5.5 किलोमीटर के आसपास। और ये डॉगी देखो क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। तो जाते हैं लास्ट ऑर्डर पिकअप करने के लिए, फटाफट पिकअप करते हैं फिर उसके बाद घर पे जाके वीडियो एडिट करते हैं। भाई आज का अपना फाइनली लास्ट ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, 13वां ऑर्डर पिकअप हो गया और डायरेक्ट तो लास्ट ऑर्डर देने के लिए आया मैं और यहाँ पे देखो मैं अटक गया। यहाँ पे तो भाई कोई गार्ड भी नहीं है, गेट भी ओपन नहीं हो रहा, कस्टमर कॉल भी नहीं पिक कर रहे, तो अभी वेट करने पड़ेगा 10-5 मिनट, देखते हैं क्या होता है। फिर फाइनली लिफ्ट में आ चुका हूँ मैं, एक सर आ रहे थे उनके पास कार्ड था तो उन्होंने गेट ओपन किया, सिक्योरिटी गार्ड मेरे को बोले थे रुको 5 मिनट, तो इतना टाइम तो नहीं था अपने पास, एक सर आए उन्होंने गेट ओपन किया फिर मैं अंदर आ, तो अभी दे देता ऑर्डर। एंड भाई फाइनली 13 ऑर्डर कम्प्लीट हो चुके हैं, ये ऑर्डर मैंने 32 मिनट्स में डिलीवर किया और ये ऑर्डर के मेरे को मिले 35 रुपीज़। तो अभी मैं घर पे जाता हूँ और मेरी आज की टोटल अर्निंग, कितने घंटे काम किया, सब कुछ डिटेल में भी घर पे जाके बताता हूँ। तो आज की अपन अपनी अर्निंग देखते हैं, आज टोटल मैंने कितने घंटे काम किया और कितना ऑर्डर हो गया और टोटल अर्निंग कितनी हो गई। चलो मैं आपको, पहले तो अपन को जोमेटो ऐप ओपन करना है तो इसको क्लोज किया, जोमेटो ऐप ओपन किया तो ये अभी रात को दिखा रहा है मेरे को 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा सर्च पे है, तो अभी नाइट तो नहीं मार रहा हूँ मैं, वीडियो एडिट करने का है तो यहाँ पे पहले जाके जाने का अपने को डेट सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करेगा 25 तारीख, 25 तारीख सिलेक्ट करने का। तो ये आज की है मेरी टोटल अर्निंग, ऑर्डर हो चुका है मल्टी ऑर्डर है 26 टच पॉइंट्स है, तो मेरे ऑर्डर हो गए टोटल 13 ऑर्डर और लॉगिन था 6.5 घंटा और 13 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं
और यहाँ पे मेरी अर्निंग हो चुकी है, ये दिख रही है अमाउंट है 585 और इंसेंटिव आएगा मुझे 375। तो ये देखो ये इंसेंटिव है, दिख रहा है 375, मतलब मतलब टोटल अर्निंग हो गई 960 रुपये। तो आज की मेरी अर्निंग हो गई है पूरी 960 रुपये। लॉगिन हिस्ट्री भी दिखा चुका हूँ मैं आपको, एक बार लॉगिन हिस्ट्री भी दिखा था आपको कल की लॉगिन हिस्ट्री। तो ये देखो भाई 6 घंटा 25 मिनट लॉगिन था मैं और टोटल मेरी अर्निंग हो चुकी है 960 रुपया। तो चलो अच्छी बात है भाई, मज़ा आ गया आज ऑर्डर मारने के लिए। ऑर्डर भी अच्छे थे, मैंने लॉगिन कब किया था, पहला ऑर्डर मेरे को गिरा था, ये है मल्टी ऑर्डर, पहला ऑर्डर घर पे गिरा था 5:10 को और लास्ट ऑर्डर मेरे को गिरा 11:03 को। तो आज की अर्निंग अच्छी हो गई है, 960 रुपये अर्निंग हो गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्या वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।